स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेसेट क्लासेस। अकाउंट्स में हम एक चैप्टर कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कंप्लीट करना सीख लिया था, पर उस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कुछ इंफॉर्मेशन हमें किसी फिक्स एसेट के बारे में गिवन होती थी। लाइक हमने प्लांट एंड मशीनरी बताया, फर्नीचर, कोई भी ऐसा फिक्स एसेट बताया, तो मैंने आपको कहा था कि बेटा अगर उसकी एसेट की वैल्यू में रिडक्शन आ रहा है, लाइक कोई फर्नीचर है, पहले था 5 लाख का, अभी जैसे एक इलस्ट्रेशन हमने समझा, उसमें उसकी वैल्यू हो गई अब 460, राइट? ये 2019 में था, ये 2020 में है, तो ये कितने की रिडक्शन है? 40,000 की। मैंने आपको कहा कि अगर 10-15 या 20% तक रिडक्शन होती है तो इसको हम डेप्रिसिएशन मान लेते हैं। समझ रहे बात को? अब इसको नॉर्मल डेप्रिसिएशन मान लिया। अगर इसमें रिडक्शन ज्यादा का हो रहा है, मान लो 5 लाख से 250 की रह गई, तो इसको हम डेप्रिसिएशन नहीं मान सकते, ये कुछ सेल या परचेज की ट्रांजेक्शन होगी। अगर आपके पास क्वेश्चन में एसेट की ओपनिंग क्लोजिंग है, ये ओपनिंग वैल्यू हो गई, ये क्लोजिंग वैल्यू हो गई, और साथ में उसके बारे में नीचे कोई एडजस्टमेंट दी हुई है, तो हमें उस एसेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो अकाउंट बनाना आज हम सीख रहे हैं। और एक चीज बिल्कुल क्लियर कट समझना, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसमें भी ये अकाउंट हमें दोबारा से समझने हैं, तो इसलिए एक ही बार अच्छे से समझ लो, इनका ट्रीटमेंट बार बार आपको तंग करेगा। कैश फ्लो का जब पेपर में क्वेश्चन आता है उसमें जो वर्किंग नोट्स मांगे जाते हैं, ये वो वर्किंग नोट है जो आज हम बनाने सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन नंबर 31 में आप चेक करें, सबसे पहले आपको दिया हुआ है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिफरेंस निकालेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा, जनरल रिजर्व एड ट्रांसफर टू रिजर्व वर्किंग नोट में आता, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इसको अभी हम बाद में चेक करते हैं, क्यों? क्योंकि नीचे चेक करें एडजस्टमेंट में प्लांट की वैल्यू दी है, डेप्रिसिएशन किस पे लगा है? प्लांट पे। नीचे एडजस्टमेंट में प्लांट दिया हुआ है तो मुझे प्लांट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये एक तरीका होता है समझने का कि कब अकाउंट बनेगा और कब अकाउंट नहीं बनेगा। जब एसेट की वैल्यू में रिडक्शन ज्यादा हो रहा हो, पहली बात, दूसरी बात एडजस्टमेंट दे दी, तो हमें उस प्लांट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। इज इट ओके? कैसे बनाना है वो मैं आपको अभी सिखा रहा हूं। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बेटा ये हमारी क्या होती है? करंट लायबिलिटी, तो ये तो एडजस्ट आप कर लेंगे। नेक्स्ट इज गुडविल। गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है। मैंने आपको समझाया था कि अगर इनटैंजिबल की एसेट कम हो, वैल्यू कम हो रही है तो हम उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, पर अगर इनटैंजिबल की वैल्यू बढ़ रही है तो हम उसे बोलते हैं परचेज ऑफ गुडविल। परचेज ऑफ गुडविल का मतलब हम कहां लिखते हैं उसे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अगर गुडविल की वैल्यू कम हो रही है तो अमोर्टाइजेशन के नाम से ऑपरेटिंग में, और अगर उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो परचेज के नाम से इन्वेस्टिंग में जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको लास्ट क्लास में हाईलाइट कर दिया था। आगे चलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल यानी के सन्ड्री डेटर्स हमें दिए हुए हैं, तो ये करंट एसेट है, इसकी भी एडजस्टमेंट कर लेंगे। बस प्रॉब्लम आपको एक ही चीज की आने वाली है, वो क्या है? प्लांट एंड मशीनरी और उसका प्रोविजन फॉर डेट। देखो बेटा, प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी सिर्फ प्लांट, माय मिस्टेक, अगर आपको प्लांट दिया हुआ है और उसका प्रोविजन फॉर डेप दिया हुआ है, डेप का ओपनिंग क्लोजिंग दिया और प्लांट की एडजस्टमेंट दिए, तो हमें अब दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक तो डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप और एक प्लांट अकाउंट। देखो कैसे बनेंगे बेटा, हम सबको टी शेप अकाउंट तो बनाने आते ही है। अब आप इसको टी शेप नहीं अगर जानते क्या होता है, नॉर्मल लेजर बनाने तो आते हैं आप सबको। एक बनेगा प्लांट अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा आप सब जानते हो ऑलरेडी, प्लांट मेरा एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट होता है, और प्रोविजन रिजर्व्स और प्रोविजन लायबिलिटीज साइड आते हैं और लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है। तो अगर मैं एसेट की बात करूं, एसेट अकाउंट स्टार्ट कहां से होगा? डेबिट में, और एंड कहां होगा? क्रेडिट में। अगर प्रोविजन की बात करी जाए, ये शुरू होगा
क्रेडिट से और एंड कहां होगा ट्रू बैलेंस. ठीक है, ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, कैरी डाउन, इज इट ओके. बैलेंस नहीं देखे मैंने, अब इसको एक एक करके पढ़ता हूं. देखो प्रोविजन का तो ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है. प्रोविजन का ओपनिंग है 30 और क्लोजिंग है 35. इज इट ओके. आगे बढ़ते हैं. हमारे पास क्या गिवन है एडजस्टमेंट में. प्लांट कॉस्टिंग 20,000 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 14,000 वॉज सोल्ड फॉर 18,000. देखो एक प्लांट था उसकी कॉस्टिंग कितनी थी 20,000. बैलेंस दिया हुआ इसका मतलब मुझे प्लांट का 20,000. ठीक है, बुक वैल्यू कितनी थी 14,000. इसको बेच दिया. अब मुझे बताएं जब एक ऐसे 20,000 का था वो बेच दिया, बैलेंस बचेगा क्या? नहीं बचेगा. तो यहां तो डैश लगा दिया. कई बार बच्चा कहता है सर इसको कैसे निकालूं बैलेंसिंग फिगर. भाई एक ही प्लांट था वो ही बेच दिया, बचा क्या कुछ तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं बचा. तो इसलिए बिल्कुल क्लियर कट रहना. अब इधर ध्यान से समझेंगे बेटा. पढ़ते हैं क्या लिखा है दोबारा से. एक प्लांट जिसकी वैल्यू 20,000 हमने पोस्ट कर दी, उस पे बुक वैल्यू कितनी थी उसकी आज 14,000. अब बुक वैल्यू 14,000 होने का मतलब उस पे आज तक कितना डेप लग चुका था. समझ रहे बात को? ये कैसे कैलकुलेट किया मैंने, 20 का लिया था आज 14 का बचा था, यानी कि 6,000 रुपए का मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा चुका हूं. अब एक बहुत ध्यान से बात सुनेंगे बेटा. ऐसे डेबिट होता है अगर उस पे डेप लग रहा है, यानी कि डेप से उसकी वैल्यू बढ़ती है या कम होती है? कम होती है. कोई चीज डेबिट है अगर उसकी वैल्यू कम करनी है तो उसके अकाउंट में वो किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड. कोई चीज डेबिट है उसकी वैल्यू कम करनी है तो क्रेडिट साइड जाएगा. मैंने यहां लिख दिया 6,000 और ये 6,000 सर है क्या डेप? तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में तो क्रॉस हो गई. यहां पे लिख दिया 6,000 नाम अपोजिट, वहां पे बाय प्रोविजन फॉर डेप और यहां पे टू प्लांट. कोई प्रॉब्लम? अब इसको मैंने बेच दिया, कितने में बेचा बेटा चेक करो. 18,000 में बेचा, 18,000 में बेच दिया. तो आप ध्यान से समझे, ऐसे डेबिट है अगर वो बिक रहा है तो किधर लिखा जाएगा? क्रेडिट में. बाय बैंक पैसा लेंगे ना, ब्रैकेट में लिख दे सेल. कितने का बेचा? 18,000. बेटा ध्यान से समझेंगे, 20 वाली चीज 6,000 का डेप लगने के बाद 14 की बची, 18 की बेच दी. फायदा नुकसान है? फायदा. फायदा है एसेट पे बेचने में आपको फायदा हुआ तो वो फायदा आप किधर लिखेंगे? क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू गेन ऑन सेल ऑफ. तो गेन ऑन सेल कितना? 4,000. अब डिफरेंस अगर बचे, इधर आया तो परचेज, इधर आया तो और सेल. ठीक है, कुछ नहीं बचा, अकाउंट क्लोज. कोई प्रॉब्लम नहीं. अब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं. डेबिट साइड में आ रहा है कितना? 41,000. इसमें से ये माइनस करा तो यहां आ गया बाय. बेटा इस अकाउंट से क्या निकलेगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट से क्या निकाल सकते हो आप डेप्रिसिएशन के अलावा? बाय. अब आपको सर कंफ्यूजन आता है कि सर फिर ये भी तो डेप था. ध्यान से सुनना, ये वो डेप था जो आज तक लग चुका था. ये कौन सा है जो इस साल लगेगा? कितना? 11,000. कैसे निकाला सर? बैलेंसिंग फिगर 41 माइनस 30,000 ये आ गया 11,041. ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे पोस्टिंग कैसे होनी है सर इसकी कैश फ्लो में. बहुत ध्यान से, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस मान लो गिवन होता, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ना कि इसका अकाउंट का ना इसके अकाउंट का. कोई प्रॉब्लम? जो एंट्री क्रॉस हुई है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा. इस अकाउंट से इस अकाउंट में क्रॉस हुई है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं. बाकी हर चीज का ट्रीटमेंट होगा. गेन ऑन सेल ऑपरेटिंग में माइनस सेल ऑफ प्लांट. बेटा कौन सी एक्टिविटी में जाना चाहिए? इन्वेस्टिंग में. एक एसेट बिक रहा है कहां जाएगा? अभी इसका ट्रीटमेंट चलो आप छोड़ दें क्योंकि आप ऑपरेटिंग कर रहे हैं. डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में. आ गई बात समझ?
हाँ जी लोकेश, आगे समझ। अब इसके अलावा आपको 31 इलस्ट्रेशन में आई डोंट थिंक सो कोई डाउट होगा, आपको ये निकालना नहीं आ रहा था। तो इस अकाउंट से हमारे को दो चीजें मिली ऑपरेटिंग के लिए, एक तो गेन ऑन सेल माइनस और एक डेप्रिसिएशन प्लस। ये आपको काम वर्किंग नोट में करके दिखाना है, उसके बाद आपका ऑपरेटिंग बनेगा। अब जैसे मेन सॉल्यूशन पहले करने सिखाया है, आप क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा, उसके बाद सारी चीजें पोस्ट कर दी, स्पेस खाली छोड़ने के बाद वर्किंग नोट में पहले ये बनाया, यहां से वैल्यू पुट करी, फिर आपका ऑपरेटिंग का आंसर निकलेगा। समझ आ गई बात? सीक्वेंस जरूरी है पेपर में जब क्वेश्चन सॉल्व करें, तो ये वर्किंग नोट को लास्ट में लेके जाएं, पहले फेयर सॉल्यूशन आएगा। क्लियर? तो आज हम इस क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे कल को नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।